नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जहां दिल्ली में आज के ही दिन कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की उप समिति की बैठक होने वाली है। पहली सूची की तरह दूसरी सूची में मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। दूसरी सूची में 10 से 12 विधायकों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही सर्वे के आधार पर जिन विधायकों की रिपोर्ट कमजोर है उनको पार्टी इस बार टिकट नहीं दे रही। दुर्ग जिले के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के ठिकाने पर दबिश दे दी है। जहां सोमवार की सुबह 7 बजे ईडी की 4 सदस्यीय टीम भिलाई पहुंची, जहां नेहरू नगर में दीपक सावलानी, जिनका नाम बदल चुका है अब जयदीप हो गया है, उसके घर पर छापेमारी की कार्रवाई की। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी इस बार फिर सत्ता की आस में है। सरकार बनाने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा, जो राज्य में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर को 20 सीटों पर और 17 नवंबर को बाकी बची हुई 70 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के फॉर्मूले को अपनाते हुए अपने दिग्गज नेताओं, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतार दिया है। इसके बावजूद पार्टी ने पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराने केंद्रीय मंत्री बस्तर आएंगे। 19 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नारायणपुर जाएंगे। नेता सभा को संबोधित भी करेंगे। बताया जा रहा है कि कांकेर की 3 विधानसभा सीट के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजापुर के लिए सांसद बसंत कुमार, गोंडा गांव के लिए 2 सीट के लिए झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और बस्तर की 3 सीट के लिए अमित शाह और दंतेवाड़ा के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ नारायणपुर में चुनावी माहौल बनाने रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।